Hi and assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. Welcome to my YouTube channel. So मैं जा रही हूँ यहाँ पे शॉपिंग पे और आई एम परफेक्टली ऑल राइट एंड माई गुड नेम इज़ सिद्रा। अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखते हो तो आपको आइडिया है कि मेरी वेडिंग सीरीज चल रही है, क्योंकि घर पे शादी है और देवर की डेट फिक्स हो गई है और हम लोग जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं और मैं आप लोगों से रैंडम शॉपिंग व्लॉग्स शेयर करती हूँ। सो शादी के जोड़े, जूते, बैग्स मैंने आपसे सब कुछ शेयर किया। तो आज जो है वो ज्वेलरी डे था, हमें हमारा मेन जो था हमने आज ज्वेलरी परचेज करनी थी। सो हम लोग इस टाइम आए हैं अपनी ब्राइडल को पिक करने उसके घर के बाहर और सो ब्राइडल का वेट करते हैं। कैसी है? सुनाओ सिस्टर ने। सो ब्राइडल इज हेयर और आज उसकी सिस्टर भी साथ आ रही थी, तो अब हम उसका वेट कर लेते हैं। वो जैसे ही घर से निकलती हैं तो बस हम इनको पिक करके तो शॉपिंग पे चलते हैं। और आज इतनी मज़े की मुझे धूप लग रही थी ना, इतनी मतलब गर्मी हो गई दोबारा बारिशों के बाद, बट मैंने अभी शॉवर लिया हुआ था तो और जब मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ ना तो बस दिल करता है कि मेरे बॉडी को थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए होता है, तो मुझे धूप इतनी मज़े की लग रही थी। सो नाउ वी आर ऑन द शॉपिंग और हम लोग इस टाइम जा रहे हैं मुल्तान के मशहूर बाज़ार हुसैनागाही और वहाँ पर जो है ना ब्राइडल्स का हर चीज़ का मतलब गढ़ है। My breath, looking up, life moves in waves, it keeps changing. Catch a glimpse of what was you and me, it's gone again. Sinking in, back on the shore, one foot in front of the other. Close my eyes. सो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और कंप्लीट वॉच करना है, तभी आपको वीडियो का थीम पता चलेगा और आपको ब्राइडल ज्वेलरी 2022 का जो है वो आइडिया होगा कि क्या कुछ ट्रेंड में है। और हम लोग आ गए हैं हुसैनागाही के बाज़ार और ये बड़ा ही पुराना सा बाज़ार है और बड़ा ही गंदा मंदा हुआ है, लाइक आप इसकी हालत देख सकते हैं। बट ये 3 फ्लोर है, लाइक ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फ्लोर है और यहाँ पर मतलब आपको हर तरह का कपड़ा मिलेगा। आज मैं आपको थोड़ी सी जो है ना वो आउटलुक भी दिखाते हैं इस बाज़ार की, कि आपको रेशमी फैब्रिक हर तरह का मिल जाएगा, कढ़ाई वाला, फैंसी काम वाला, इवन कि यहाँ पे टेलर्स भी बैठे हैं। आपने कोई चीज़ मैच करनी है ना, लाइक आपको ट्राउज़र के 10 कपड़े यहाँ पे मिलते हैं, तो ये बहुत ही फेमस बाज़ार है मुल्तान का। अच्छा, बाज़ार की हालत देखकर तो लगता है कि बड़ा गंदा सा बाज़ार है, बड़ा सस्ता सा होगा, बट इतना कॉस्टली बाज़ार है, ट्रस्ट मी। यहाँ पे 3-3 लाख के जोड़े, 4-4 लाख के जोड़े और आप एक फैब्रिक ट्राउज़र मैच करते हैं, दुपट्टा पूछते हैं तो वो आपको 2-3 हज़ार रुपये कीमत बता देते हैं। और आजकल तो महंगाई ने जो है ना वो आसमान सर पर उठाया हुआ। और हम लोग यहाँ पर आए थे दुपट्टा लेने, लाइक ब्राइडल का जो रुखसती के टाइम दुपट्टा ओढ़ते हैं ना, उसके निकाह के टाइम या फिर रुखसती के टाइम, तो हम लोग वो देख रहे थे। और ब्राइडल चाह रही थी कि प्लेन हो और इस तरह डॉट प्रिंट्स ना हो, तो हम लोग फिर अब जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर जा रहे हैं और वहाँ जाके जो है वो दुपट्टा देख। और इस तरह के बाज़ार में आके आपको इतना ज़्यादा चलना फिरना पड़ता है। हम शॉप टू शॉप जा रहे थे ताकि हमें वैरायटी का आइडिया हो जाए, क्वालिटी का आइडिया हो जाए, प्राइस का आइडिया हो जाए। तो मार्केट में चल फिर कर अगर आप चीज़ लेना तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि हर शॉप कीपर अपनी प्राइस बता रहा था, मतलब एक चीज़, और हर शॉप पे डिफरेंट प्राइसेस, लाइक कोई 1600, कोई 1800, कोई जो है वो दीन ईमान वाले थे तो वो 1000-1200 भी बता रहे थे। तो यहाँ भी हमें कुछ दुपट्टे हैंग हुए नज़र आए, तो लेट्स सी हमें यहाँ पे दुपट्टा मिलता है या नहीं मिलता।
सो दो तीन शॉप विज़िट की, तो कहीं पे मेंशन था कबूल है और कहीं पे था निकाह मुबारक, और बस ब्राइडल चाह रही थी कि डॉट्स ना हो, बट हर शॉप पे जो है ना वो डॉट वाली नेट ही हमें मिल रही थी। सो हमने सोचा कि हम ऑर्डर पे बनवा लेते हैं, तो हमने अब प्लेन नेट निकलवाई ताकि हम इस पे जो है ना ख़ुद से वो किरण और गोटा छोटा लगवा के तो प्लेन पे लिखवा लें निकाह मुबारक या कबूल है, बट इतना ज़्यादा कॉस्टली हो रहा था और वो हमसे हर हर चीज़ का अलग अलग चार्ज कर रहे थे कि गोटे का ये लगेगा फलां का ये लगेगा, तो हमने एक दुपट्टा ऐसे ही परचेज़ कर लिया अच्छा सा रेट बनवा के। तो उसके बाद हम लोग आगे थे अपने मेन काम पे जो कि था ज्वेलरी का काम आज, और हमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी करनी थी दोनों डेज़ की, बारात की भी और वलीमा की भी। आपको पता है कि इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है और हमने हर तरह के सैंपल जो है वो निकलवा के देखा। एक ये माला के साथ था बट कि हमें थोड़ा ओल्ड सा लग रहा था क्योंकि माला अब शायद फैशन में नहीं है। जब मेरी शादी थी तब बहुत ज़्यादा इन थी लाइक चोकर और नेकलाइन के साथ माला बहुत ज़्यादा इन थी, और आजकल कुंदन का जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया हुआ, बहुत बाकी खूबसूरत लगते हैं बट इसमें कलर्स बहुत कम अवेलेबल होते हैं, और ये डल गोल्ड सा था बट ये हमारे दोनों डेज़ के साथ नहीं जा रहा था, ना बारात पे ना वलीमा पे। और हमने इन्हें बोला कि इसकी बेस अगर चेंज कर दें, और उन्होंने कहा कि सिर्फ पर्ल्स चेंज होंगे और इसकी बेस ऐसी ही रहेगी, तो हमारे दोनों डेज़ के साथ ये बिल्कुल भी मैच नहीं था। सो हमने फिर कुंदन के जो सेट से इसको छोड़ दिया, और अब देखते हैं कि हमें ज्वेलरी कैसे मिलती है, और हमें दोनों डेज़ की जो है ना वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी करनी है। सो आई सेड कि आप हमें जो है ना वो बारात की भी और वलीमा की भी जो है वो ज्वेलरी दिखाते रहें, और काफ़ी हैवी भी हमने देखी और लाइट वेयर भी देखा, और हम लोग चाह रहे थे कि जो डे वन है ना बारात उस पर ज़रा हैवी लुक आ जाए क्योंकि इस पर टीका माथा पट्टी झूमर एवरीथिंग बहुत खूबसूरत लगते हैं, बट जो डे टू होता है ना वलीमा उसमें हम थोड़ा लाइट चाह रहे थे। तो ना हम लोग अभी चेक कर रहे हैं और ये लोग मुझे मना कर रहे थे शॉपकीपर कि आप प्लीज़ इसकी पिक्चर ना बनाएं इसकी वीडियो ना बनाएं और हमारे जो है वो डिज़ाइन चोरी हो जाते हैं, बट मैंने इनको अपने यूट्यूब चैनल का बताया और हमने बोला कि हमें परचेज़ करना है, तो ही सेड के ऑर्डर के बाद आप लोग वीडियो बनाएंगे, बट फिर भी मैंने आप लोगों के लिए व्लॉगिंग की, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूला करें क्योंकि व्लॉगिंग आजकल आसान नहीं है, ट्रेंड में तो बहुत है हर कोई व्लॉग बना रहा है बट इट्स नॉट एन ईजीएस्ट जॉब, और वो भी मेरे दो बच्चों के साथ माशाल्लाह, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि हर शॉपकीपर जो है वो आपको मना कर देता है कि प्लीज़ आप वीडियो नहीं बना सकते हमारे डिज़ाइन चोरी होते हैं। तो खैर ये तो थी मेरी रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, और अब मैं आपको मज़ीद ज्वेलरी दिखाती हूँ बड़े मज़े मज़े की ट्रेंडी ज्वेलरी। अच्छा ये वाला जो है ना कॉलर नेक बहुत खूबसूरत लग रहा था। अच्छा कैमरा में और रियल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो जो रियल कलर्स होते हैं बहुत प्यारे लगते हैं, हमें दो तीन पसंद आए थे और हम लोग रेट बनवा रहे थे, और ये वाला रेट जो था वो 14,000 का उसने बोला, और हम अब थोड़ा लाइट वेट में भी देख रहे थे कि हमें कोई लाइट में शायद अच्छा लग जाए, और ये था जनाब 1 कैरेट गोल्ड में जो कि ही क्लेम्स कि ये कभी भी काला नहीं होगा, और ये भी वैसे बहुत खूबसूरत लग रहा था, ये देखें। और जनाब हमने डे वन का एक सेट जो है वो सिलेक्ट कर लिया था, उसके साथ टीका था और झुमके और साथ में कॉलर नेक और झूमर था, तो अब हम जो है वो रिंग्स देख रहे हैं कि डे वन की अच्छी सी रिंग्स मिल जाएं, और मैं अपने हैंड्स पे चेक कर रही थी और ब्राइडल अपने हैंड्स पे चेक कर रही थी कि कोई डिज़ाइन क्लिक कर जाए, और साथ में डे वन की चूड़ियां भी कर ली थी। अब डे टू की जो है वो बारी रह गई थी, और रेट भी बहुत मुश्किल बनवाना पड़ता है, इतनी बार्गेनिंग करनी पड़ती है और इतनी बहस करनी पड़ती है, लाइक इतनी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, और 16,000 से जो है हमने हाफ़ प्राइस ऑलमोस्ट करवा ली थी।
मतलब 7,000 में हमारा जो है वो सेट डन हो गया था। और अब हम लोग देख रहे थे कोई कड़ा अच्छा लग जाए, कोई भी लाइक ब्रेसलेट अच्छा लग जाए और मज़ीद वलीमा की ज्वेलरी अच्छी लग जाए। अच्छा, हम माशाल्लाह गोल्ड का सेट भी दे रहे हैं ब्राइडल को, लेकिन आपको पता है कि जो आजकल ब्राइडल वेयर्स हैं वो कितने कलरफुल होते हैं और उसके साथ हर चीज़ मैचिंग अच्छी लगती है, ज्वेलरी हो जाए, बैग हो जाए। और इसलिए दोनों दिन जो है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी वेयर करेगी। और अदरवाइज़ मैं सोच रही थी कि उसके वलीमा की ड्रेस के साथ गोल्ड का सेट भी पहना जा सकता है, बट अगेन गोल्ड का सेट फिर उसके साथ आई थिंक टीका और कोई माथा पट्टी टाइप नहीं होती। तो हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे दोनों दिन की आर्टिफिशियल ज्वेलरी कर ली थी। और डे टू के लिए हमने बहुत लाइट की थी और उसमें 1 कैरेट गोल्ड था, साथ में रिंग्स, ब्रेसलेट। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे लग गया था, हमें 2 घंटे हमने यहाँ पे जो है वो अपनी एनर्जी वेस्ट की, तब जाके हमारी 2 डेज़ की जो है वो ज्वेलरी डन हो गई थी। और इंशाल्लाह आपको आने वाले व्लॉग्स में मैं हर चीज़ दिखाऊंगी, एवरीथिंग। सारी शॉपिंग जब इकट्ठी हो जाएगी ना, फिर मैं कंप्लीट शॉपिंग हॉल की वीडियो आपसे शेयर करूंगी कि ब्राइडल शॉपिंग हॉल में क्या कुछ होता है। और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैं बैठ गई थी और हमने 1-2 ट्राउज़र्स मैच करवाने थे, वो मैच करवाए, फिर 1-2 लाइनिंग का कपड़ा लेना था वो लिया। और मतलब जितने भी छोटे छोटे काम रह गए थे ना, हम चाह रहे थे कि वो आज ऑलमोस्ट डन हो जाएँ। और शादी की शॉपिंग इज़ लाइक दैट कि सब कुछ हो गया बट फिर भी एंड पे कुछ ना कुछ निकल आता है और इतना कुछ मतलब रह जाता है छोटा छोटा। तो ये है जनाब हुसैना गई का मेन बाज़ार और बड़ा पुराना सा बाज़ार है। हम लोग खैर बहुत आगे तो नहीं गए जहाँ स्लोप है और अप्स एंड डाउन्स वाला बाज़ार है, बट यहाँ पे रेवाड़ी भी है विच इज़ वेरी फेमस फॉर देयर सोन हलवा, देयर समोसे और भी मिठाई, मतलब रेवाड़ी का एक नाम है। तो ये थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे कैप्चर किया। अब हम लोग जा रहे हैं अपनी पार्किंग की तरफ के हम लोग यहाँ बैठे हैं। हमें अब एक और बाज़ार विज़िट करना था, दैट्स नेम इज़ गुलगश्त। अगर आप लोग मुल्तान के सब्सक्राइबर्स हैं तो आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। और अभी मुझे अपनी शादी की शॉपिंग भी करनी थी, लाइक अपने लिए भी जो है वो जोड़ा लेना था और भी बहुत कुछ, बच्चों की भी। तो मतलब मैं तो अभी से ही थक गई थी और आई फील लाइक मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, बट थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह सितंबर में जो है वो मैं अपनी शॉपिंग मतलब स्टार्ट कर दूंगी। और काफ़ी कुछ हमने कंप्लीट कर लिया था, ऑलमोस्ट हमारी शादी की शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी। निकाह मुबारक का पेन भी ले लिया था और फिर हमने जो है वो बाहर डिनर भी किया, आज चाय भी हमने बाहर पी ली। और आई डिड नॉट कैप्चर दैट्स मोमेंट, डिनर एंड चाय। और अब हम जा रहे हैं क्योंकि हम सबसे पहले दुल्हन के घर जाएंगे, उसको वहाँ ड्रॉप करेंगे और उसके बाद सीधा घर। और मैं दिल कर रहा है बस अब बैठूँ और मैं, बट ऐसा नहीं हो सकता। बींग अ मदर, बींग अ मॉमी ऑफ 2 टॉडलर्स, मुझे जाके पहले इनको देखना होगा, इनको सुलाना होगा, फिर जाके मैं कहीं रेस्ट करूँगी। सो जनाब यही था मेरा आज का व्लॉग और काफ़ी मेहनत के बाद व्लॉग्स बनते हैं। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो और इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन ऑन टाइम। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड अल्लाह हाफिज़।